बैक टू माई चैनल दोस्तों, और आपको मेरे चैनल में दोस्तों आपका बहुत स्वागत है। और काफ़ी दिनों से मेरा कोई भी वीडियो नहीं आ रहा है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ, उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। और एक मैं नया चैनल भी अपना एक क्रिएट करने वाला हूँ, जो बहुत जल्द उसका लिंक मैं अपने चैनल में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों क्या है कि कुछ तो काम का लोड है, और एक जो मैं नए प्रोजेक्ट में वर्क कर रहा हूँ उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ा रीज़न तो यही है, और कोई रीज़न नहीं है। और क्या होता है सर, और एक वापस किया है, आपको बताइए कि थोड़ा स्कूल्स वगैरह सारे स्टार्ट हो गए हैं, तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th 12th वालों के, तो कोचिंग के भी काफ़ी ध्यान देना पड़ता है, इसलिए क्या मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और मैं अपना पर्सनल कुछ अलग बिज़नेस के पर्पज़ से मैं कुछ प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, तो उसके लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और दोस्तों मैंने सोचा आज मैं भी तनीषा को लेने निकला था स्कूल, तो अभी मैं नेशनल हाईवे 14 पर हूँ, और देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह चल रही है बहुत सारी। तो क्या हुआ, आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, तो फिर मुझे सोचा मैंने क्यों ना मैं क्या दो आपसे बात की हुई, काफ़ी टाइम हो गया, तो सोचता हूँ कि आपसे बात कर लूँ। और क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत दिन हो गया आपसे मिला भी नहीं हूँ, और शायद कुछ व्यूवर्स होंगे जो मेरे वीडियो का वेट भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द एक नया वीडियो लेके आपके सामने आऊँगा, और एक नया ब्लॉग लेके, उसके लिए वीडियो नहीं डाल रहा हूँ, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको सॉरी बोलता हूँ टाइम की वजह से। और मिलता हूँ दोस्तों आपको एक नए वीडियो और नए ब्लॉग के साथ। और हाँ, जो एक मैं नया चैनल क्रिएट कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अभी वो चैनल बना नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ उसके बनाने के लिए, और उसके ऊपर कौन वो चैनल को बनाना, मैं भी सोच रहा हूँ कि किस बेस पे उस चैनल को बनाऊँ, क्योंकि आपको पता ही है दोस्तों मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो या तो कुकिंग चैनल बनाऊँगा, या फिर एनिमल्स के ऊपर से कुछ चैनल बनाऊँगा जो एनिमल्स को प्रमोट करे, उनकी शिक्षा करे। जो कुछ लोग हैं जो एनिमल्स को सताते भी हैं, और मैंने जहाँ तक देखा है, जब मैंने एक वीडियो डाला था हमारे गली के डॉग के साथ, तो मेरे यूट्यूबर फैमिली ने तो कुछ भी नहीं बोला था, बाकी हमारे कुछ कॉलोनी के लोग हैं, और कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल भी है, और कुछ मेरे घर के मेंबर भी है, जिन्होंने मुझे पागल करार कर दिया था कि मैं पागल हूँ। तो दोस्तों आप ही बताइए, क्या किसी के प्रति प्रेम रखना क्या पागल है, क्या कोई पागलपन नहीं है क्या ये? लोग बोलते हैं मैं पागल हूँ, मैं कुत्तों के साथ खेलता हूँ, कुत्तों से उनको खाना खिलाता हूँ, उनकी टेंशन करता हूँ वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अब लोगों का क्या काम है, लोगों का कहना है। तो क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जो एनिमल्स है, जो पालतू नहीं है, जो बेचारे, आपको पता ही है सर्दी पड़ती है, अपन तो दो वक्त का खाना खा के सोते, इनको कभी कभी खाना भी नहीं मिलता, पूरे दिन ये भूखे भी रहते। तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि इनको भी जीने का अधिकार है, इनको नहीं छीनना चाहिए। और जहाँ तक ज़रूरी नहीं कि आप सब कुछ लुटा दो, मगर जितना हो सके आप उतनी तो हेल्प कर सकते हो ना उनकी। तो उसी बेस पे लेकर शायद मैं कोई चैनल क्रिएट करूँगा, या फिर कुकिंग को लेकर, तो वो आपके लिए सरप्राइज है, वो चैनल कैसा होगा, कौन सा होगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको जल्दी एक नए चैनल के अंदर, और मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मुझे तो ऐसा लगा, मैंने तो अपनों को भी बहुत काफ़ी सपोर्ट किया, वो भी मेरे अगेंस्ट हो गए हैं। पता नहीं मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि मैं कहते हैं ना कि जो चीज़ ईजिली मिल जाती है उसकी कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होता है, सही ना, जो जिसके लिए आप एनी टाइम अवेलेबल हो जाते हैं, कि एक आवाज़ पे आप तैयार हो जाते हैं, उसके इंसान की कभी इज्जत नहीं होती, और जो चीज़ कभी कभी मिलती है ना उसकी इज्जत भी होती है। तो मैंने तो हर किसी को सपोर्ट ही किया, और उसका मुझे रिज़ल्ट नेगेटिव ही मिला। चलो वो नहीं दे रहे, तो उनके अंदर की आत्मा तो जानती होगी, उनके लोग तो जानते होंगे मैं उनके लिए कितना कुछ, सबके लिए कितना कुछ करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, चाहे फैमिली मेम्बर हो, चाहे बाहर के मेम्बर हो, चाहे स्टूडेंट हो, कुछ भी हो। तो मेरे को हमेशा पता नहीं क्यों मुझे हमेशा नेगेटिविटी मिलती है, कोई मतलब चाहे कितना भी कर लेता हूँ किसी के लिए, तो वो मेरे बारे में गलत ही सोचते हैं। तो वो उनकी सोच है, मैं मेरी जगह सही हूँ, मैंने उनके लिए जो भी किया अच्छा किया, मेरी जगह से वो उनकी सोच है, उनकी वो सोच नहीं बदल पाएंगे, मगर मेरे को तो काम करता रहना, चाहे आज कोई भी है, किसी की तो मैं हेल्प करूँगा ही, चाहे वो मेरे हेल्प लेने के लिए आएगा। तो दोस्तों दुनिया है ना, कहते हैं ना वो केला जब कहावत है ना कि आम को चूसने के बाद गुठली को फेंक दिया, उसी तरह इंसान का काम निकल जाता है, इंसान उसके बारे में नहीं सोचता है। तो दोस्तों मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, और ज़रूर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, गुड बाय।